प्रीवियस क्लास में क्या करा था? प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अगर इनर्शिया पे जाने से पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि वो किस पर डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है। और मास क्या होता है? मैटर कंटेन इन द बॉडी। मास क्या होता है? मैटर कंटेन इन द बॉडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके देख लेना प्लीज। अच्छा, अब मैटर कंटेन इन बॉडी, इनर्शिया किस चीज कैसे डिपेंड करता है उस चीज पे? इनर्शिया एक्चुअली क्या है? इनर्शिया एक स्टेट को डिफाइन करता है कि कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में अपने आप को रखना पसंद करती है। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए मैं आपको लेके गया था फोर्स के कॉन्सेप्ट में, कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैं ये चीज मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर था उसमें फर्स्ट चैप्टर बताई थी, एक्सीलरेशन कब लगता है? When you apply a force on any massless body, then there will be acceleration. जब आप एक फोर्स को अप्लाई करते हो किस पे? किसी भी मास वाली बॉडी पे, तो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F equals to ma। उसे ये क्या आएगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा? फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब इमेजिन करो मास है ही नहीं, तो मास क्या हो गया? जीरो। तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। इनफाइनाइट, मतलब बहुत जीरो है, इनफाइनाइट, ठीक है। या अभी मतलब मान लो इट्स अ वेरी ह्यूज, इनफाइनाइट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, तो कितना बड़ा एक्सीलरेशन होगा? और होना भी चाहिए, अगर बॉडी को छोटा करते चले जाओ। मैं अगर आपको बोलूं आपको धक्का देना है ट्रेन के इंजन को, कौन लाएगा? वो एक ट्रेन के इंजन से ट्रक पे आ जाए तो शायद थोड़ा बहुत हिल जाए, छोटा ट्रक हो। अगर वहीं से अगर एक गाड़ी पे आ जाए तो जल्दी, वहीं से एक बाइक पे आ जाए तो, वहीं से एक साइकिल पे आ जाए तो, और साइकिल से एक नॉर्मल सी छोटी वाली बच्चों वाली साइकिल पे आ जाए तो, और एक टायर पे आ जाए तो, ठीक है। और वहीं एक पत्थर पे आ जाए तो, छोटे से पत्थर पे आ जाए तो ऐसा लगेगा फेंक दूंगा दुनिया पार आज में से। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप मास कम कर रहे हो आप उसे ज्यादा डिस्प्लेस कर पा रहे हो। तो कैसे ज्यादा डिस्प्लेस कर पा रहे हो? कि मास यानी जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स ज्यादा है तो। एक्सेलरेशन किस पे एक्ट करता है भाई? मास पे तो एक्ट करता है, तो अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो वो वेलोसिटी में चेंज ला ही नहीं पाएगा। अगर एक्सेलरेशन बहुत 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 कम है तो वेलोसिटी में भी बहुत 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 कम चेंज आएगा हर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आएगा तो आप देख पाओगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तब जाके आपको आवर की सुई मूव होती दिखती है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो इतना स्लो मूव करती है ना, इसलिए तो नहीं दिखती। तो वैसे इमेजिन करो अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इस वजह से हम उसका इनर्शिया को क्या बोलते हैं? कि वो भी ज्यादा है। समझ में आया बात? या नहीं है? तो जब भी किसी बॉडी का इनर्शिया मतलब मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ दो तरीके के इनर्शिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन, बट तीसरे एक और इनर्शिया डायरेक्शन। गुड। अब मास मैटर कंटेन इन द बॉडी, सिंपल एटम्स से मिलके जो बना है वो है आपका मास। लॉ ऑफ इनर्शिया है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ सिर्फ हम इसकी बात करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? जो बॉडी और उसी में पुश है, और ये अभी हमने डिस्कस करा जस्ट अभी, क्या कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स देयर विल बी एन एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन इफ इट्स वेरी ह्यूज या थोड़ा बहुत भी है तो यस इट डिस्प्लेस द बॉडी, बट इफ दैट एक्सीलरेशन इज वेरी माइनर तो वो शायद चेंज जो बनाएगा अभी वो दिखेगा तक। आर यू गेटिंग दिस? इसके आगे कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पर मुझे बताना था कि व्हाई वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? क्योंकि वो ऊपर नीचे जब बढ़ता है तो और थोड़ा सोचो और थोड़ा सोचो, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चले, उसको एग्जैक्ट एक वर्ड बताओ ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तभी तो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो देयर विल बी एक्सीलरेशन। इफ देयर इज अ कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। और कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, वो चलेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सो इट्स सेड, अभी हम जो बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में दो रो है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिर्फ उसी चीज को ध्यान देने के लिए बना है। क्या लिखा है? द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टेट्स दैट द बॉडी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट रिमेन्स स्टेशनरी एंड अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज। मतलब वो जैसा है वो तो वैसा है और अपने अंदर चेंज होने भी नहीं देगा, अपने अंदर चेंज होने भी नहीं देगा। जैसा है वैसा 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 तो रहना पसंद करेगा, वो चेंज भी नहीं होने देगा। दीवार है, ये रेस्ट पे है, आप धक्का लगाओ, वैसे तो ये रेस्ट पे है तो अपनी तरफ से तो खुद से ये मोशन में नहीं होने वाली, बट अगर मैं इसमें फोर्स भी लगाओ तो भी ये नहीं होने वाली। इंजन है, उस पर धक्का लगाओ, वो खुद रेस्ट पे रहना पसंद करेगा, वो खड़ा है तो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा, बट अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रेजिस्ट कर रहा है, और ये रेजिस्टिव यानी वो जो रुकावट है वो खुद के लिए, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। एंड दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्योंकि अगर मास कम होगा तो देयर विल बी एक्सीलरेशन, देयर विल बी देयर इज एन एक्सीलरेशन तो देयर विल बी ऑब्वियसली अ मोशन। क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर पॉजिटिव है तो रुकी हुई बॉडी को चला देगा, और अगर नेगेटिव है तो चलती बॉडी को रोक देगा। कर रहा है ना स्टेट में चेंज। ये है इनर्शिया। इनर्शिया में तुम ध्यान से देखो ऊपर से नीचे, ये मोशन वाला भी समझाऊंगा, बट एक बार अगर रीड कर लो कहीं भी फोर्स का जिक्र नहीं, सब यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो है कहीं? तो वो क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया? अगर मैं कंबाइंड एक कॉम्पैक्ट वे में बताऊं तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट remain at rest, his body is in motion, remain in motion and it opposes any other change. वो जैसा है वो वैसा रहना पसंद करता है. That is law of inertia. Are you getting this? Yes. अब law of motion क्या कह रहा है? इसी में अभी हम आगे पढ़ेंगे. The law of inertia of motion states that a body in a uniform motion continue the state of motion with the same speed. Why is that same speed? Because if the velocity change, if the speed change, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। तो हम उसकी बात अभी कर ही नहीं। एक्सीलरेशन कब होता है? व्हेन देयर इज अ फोर्स। तो फोर्स की बात नहीं कर रहे। एंड डायरेक्शन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी स्पीड सेम है बट डायरेक्शन बदल रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है, और अगर फोर्स लगी तो उसे हम एक्सीलरेशन की तरह काउंट करेंगे। आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो बॉडी सर्कुलर मूव करती है उसकी स्पीड सेम रहती है, बट हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर मैं सर्कुलर बॉडी की बात करूं, सर्कुलर बॉडी यहाँ पे अगर इसका टिप पे ऐसे मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन ये है, और इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन ये है। अगर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। और अब हमने इतने बड़े हो गए, हम पढ़ते हैं कि भाई क्या होता है जो अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी दोनों का क्या मिक्सचर, मैग्नीट्यूड भी है उस पर डायरेक्शन भी है, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन है। और ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली इनवर्ड फोर्स लगता है, जिसे हम आगे चल के तो टेंथ में पढ़ने वाले कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर जिस डायरेक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू सेम हो, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड हो, बट नहीं, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एंड एक सेकंड, एंड अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट। क्या है? अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट, मतलब वो अपने अंदर और भी, मतलब वो चल रहा है तो चलता रहना पसंद करेगा, वो रुकना नहीं पसंद करेगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में? हाँ, कोई सा कोई डाउट है? ठीक है, इतनी बात समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आ जाओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। आप लोगों ने वो एक बहुत ज्यादा फेमस ट्रिक है वो देखी है, वो टेबल पे कपड़ा बिछा देते हैं। यस सर।
और सब ग्लास ग्लास रहते थे एंड देन दे स्कैन इट। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो तेजी से खींचते हैं तो क्या होता है, जब वो तेजी से खींचते हैं तो वो उस पर इतना कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम का होता है कि उस पर एक्सीलरेशन लग ही नहीं पाता। अगर कम टाइम ड्यूरेशन के लोग फोर्स लगेगी नहीं, फोर्स थोड़े टाइम के लगेगी तो वो उस थोड़े टाइम के लिए फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स। आपका दिल जो फोर्स लगाता है दैट इज इम्पल्स, जब हम उसको पल्स बोलते हैं ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगाता है। तो जहां भी थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगती है तो वहां थोड़ा सा एक्सीलरेशन ही होगा, तो वो एक्सीलरेशन चेंज लाता नहीं है। हम जब फर्स्ट और सेकंड टाइम करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता, गिलास मूव करता है फिर डर लगता है मम्मी आएगी पीछे चाटा बजाने, ठीक है। अगर ये चीज हम क्या उसमें भी कर सकते हैं, गिलास ले लो उस पर कॉइन रख दो और एक प्लेइंग कार्ड्स उस पर रख दो उसके ऊपर कॉइन, प्लेइंग कार्ड को खींचना सिक्का कहाँ चला जाएगा नीचे, क्यों? क्योंकि जब आप उसे खींचते हो तो वो सिक्का कैसे था, रेस्ट पे था, आपने उसे खींचा तो क्या हुआ, वो तो अभी भी रेस्ट पे ही है, वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा आपको वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? आप बस में होते हो, बस चल रही होती है, बस वाला ब्रेक लगाता है, आप आगे लहर मार जाते हो, क्यों भैया? क्योंकि हमारा बॉडी पूरा का पूरा क्या था, मोशन में था, बस के साथ पैर बस के साथ जुड़े हुए थे, तो भैया बस ने ब्रेक मारी पैर तो रुक गए, ऊपर का बॉडी क्या है, वो तो कहना मैं तो मोशन में हूँ, मुझे रोकने वाला कोई है नहीं क्योंकि ये तो जुड़े हुए थे, तो इसलिए ये तो रुक गए, बॉडी ऊपर का था नहीं। हम आगे वाले आंटी में टकराए, आंटी को लगा लड़का छेड़ रहा है, आपके दांत में चाटा पड़ गया। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? क्योंकि सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन ही है, आप चल रहे थे आप कुछ चल रहे हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? वो ग्लास वाला एग्जांपल। समझ में? आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल्स को रीड करके आना, कोई भी अगर डाउट होता है पूछना। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ कोई डाउट है? हाँ पूछो। सर आपने ऐसा कहा कि रेस्ट में रहना पसंद पसंद करना इन द सेंस वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर वो मोशन में है, देखो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, माइडल चीजों की बात कर रहे हैं। देखो तुम्हारी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक बॉडी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, चलाने का कॉन्स्टेंट स्पीड पे लेके और उसको इंजन को बंद कर दिया, तो अगर आपने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन में तो फिर रुकती क्यों है भाई? सीधी बात है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इज व्हाट, अभी बताया मैंने फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स अ फोर्स, अपोजिट फोर्स, वो तो रोकेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो तो रोकेगा, कंफर्म वो रोकेगा, तो वही चीज वहां पे है। समझ में? अब हर बॉडी क्यों अपने चीज में रहना पसंद करेगा भाई, जब उसे कोई, अब मुझे बताओ नॉर्मली तू बैठा है, अब तुम आराम से पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करना नहीं है और तुमसे क्वेश्चन हो भी रहे अच्छे से जा रहे, तो तुम्हारा मन करेगा भाई मैं ये चीज पेस को मेंटेन रखूं। बट इमेजिन करो तुम पढ़ रहे हो वन वाइन पे, थोड़ी देर में दूसरा तुम्हारा दूसरा क्या पढ़ क्यों रहा है, आधा खेलते हैं, चलो तुमने कहा नहीं नहीं पढ़ना है, अब भाई वो आके कंटिन्यू परेशान कर रहा है, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड ना कि क्यों कर रहा है भाई। बट ऐसे ही वो बॉडी क्या है, वो बॉडी का मास इतना ज्यादा है, अगर हम फोर्स कंटिन्यूसली लगाता रहो बहुत ज्यादा देर तक तो उस छोटे एक्सीलरेशन से चेंजेस दिखेंगे। अब अगर भाई मांझी द माउंटेन मूवी देखी है, एक आदमी पूरा पहाड़ तोड़ डालता है, अब एक इमेजिन के लिए है ऐसे थोड़ी होता है, मैं कहता तुम्हें बिना, वो एक रियल लाइफ में मूवी है, बट अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बोलूं कि एक आदमी ने पहाड़ तोड़ा तुम क्या कोई पागल बना रहे हैं हमारा, कैसे तोड़ देगा पहाड़ वो भी एक आदमी यहाँ हमसे एक ना उठ पाती वो पहाड़ तोड़ने का, बट ऐसा हुआ है। तो एक फोर्स अगर आप कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन थोड़ा बहुत भी अगर होगा तो वो उस पर लग रहा है, बट इतना लंबे ड्यूरेशन के हम कंटिन्यूअसली फोर्स नहीं लगा सकते। सही है? समझ में? ओके, सो हमारा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ऊपर से नीचे तक पढ़ करके देख लो कहीं भी फोर्स का जिक्र नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या है, फोर्स का जिक्र है, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स ही चेंज लाती है उसमें, वो उनको मोशन देगी, फोर्स ही क्या करेगी उसमें क्या करेगी आपको रेस्ट पे लेके, तो फोर्स ही है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, उसको मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए।
तो न्यूटन ने यही चीज को आपको आइडेंटिफाई करके दिया, और इसका रीजन हम जानते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन। और मैंने अभी क्या बताया, इफ एन एक्सीलरेशन इन द फेवर तो क्या करेगा, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव में तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा, अल्टीमेटली कितना कर देगा, जीरो। ठीक है, सो फटाफट लिखो न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी फटाफट लिखो। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, इफ इट इज बॉडी एट रेस्ट, आधा तो ऑलमोस्ट यही जैसा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा। लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ इनर्शिया में देयर इज नो टॉक अबाउट फोर्स, बट पूरा कांसेप्ट फोर्स पे आ गया पूरा उतर के। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं, इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन, रिमेन वॉन्ट्स इन मोशन कॉमा, एंड इफ अ बॉडी एट रेस्ट wants to remain at rest, if body at rest wants to remain at rest, until कब तक ये चीज होगी, जब तक हमने उसमें फोर्स ना लगाई, ये बोलते हैं ना, जब तक हमने until and unless an external force is not apply, ठीक है, until unless and external, ये ना बॉब वाला, and external force is not applied, समझ में आया। और जब external force लगाते हैं किसी भी body पे तो क्या होता है, there is a mass, so obviously there should be what, acceleration, and that acceleration अगर वो उसके favor में है तो उसको क्या करेगा, अगर rest पे है तो उसे motion में लेके आएगा, और अगर अपोज में है बॉडी चल रही है तो उसको क्या करेगा, अल्टीमेटली वो रोक देगा। यही चीज हमने करी है। इनर्शिया क्या था भाई, मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट पे रहना पसंद करूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा, मैं मोशन में हूँ, मैं मोशन में रहना पसंद करूंगा, बट फोर्स ने कहा तेरा मैं सपना तोड़ूंगा, ये तो कह रहा है वो, ये तो कह रहा है मैं सपना तोड़ दूंगा, तुम रेस्ट पे रहना चाहते हो, नो मैं धक्का दूंगा, तो मोशन में मैं नहीं, मैं रोक के अपनी चांस लूंगा, वो यही तो कर रहा है। फोर्स ने क्या कहा, फोर्स ने कहा व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी मासली बॉडी देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज लाता है, सिंपल, बहुत सिंपल फिनोमेनन, और इसी सिंपल फिनोमेनन को आपको याद रखना है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे अब कई सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज 2। एक बार वो जरा रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन, हां बोलो बोलो जोर से बोलो, What causes motion in a body? बताओ। Force causes the motion। भाई आधा भाई यही आएगा। अगला, नीचे मास थोड़ा नीचे लेके पढ़ ले। तो सुनाई नहीं दे रहा। Do we need force to keep the body moving? Explain। बताओ। Do we keep a force to body remain in motion? यानी motion में रहने के लिए। देखो, अगर मैं एक आइडल केस की बात करूँ, मतलब फ्रिक्शन विक्शन हटा दे, so no। आप जितनी ताकत लगाते हो, जितने बूस्टर ने फोर्स लगा दी उस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, एक वेलोसिटी बन गई। मान लो एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है। अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है तो वेलोसिटी को बड़ा 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 बढ़ा के 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएगा, 10 मीटर पर सेकंड तक ले आया। मान लो 1 सेकंड पर उसकी 0 थी, 0 सेकंड पे, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ईच सेकंड 2 मीटर इंक्रीज, ईच सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अगले सेकंड कितनी होगी, 4, फिर दूसरे सेकंड कितनी होगी, 4, फिर अगले सेकंड कितनी होगी, 6, उसके अगले सेकंड कितनी होगी, 8, उसके अगले सेकंड कितनी होगी, 10, फोर्स हटा दी, फोर्स हटा दी तो अब एक्सीलरेशन हट गया भैया। बट सोचो ना, अगर एक्सीलरेशन गया तो वेलोसिटी क्या है, बैलेंस चल रही, वो मोशन में आ गई भाई। अगर वो मोशन में आ गई और आपने फोर्स हटा दिया तो अब किसका लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन। और पढ़ो, अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज नहीं होंगी मैं, पर ये किस में, आइडल केस में, नॉर्मल केस में नॉर्मल फ्रिक्शन शुड अप्लाई। सो इसके आपको दो आंसर लिखने पड़ेंगे, आइडल केस
व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन नो अपोजिशन फोर्स कुछ भी नहीं हो रहा तो यस दिस इज स्पेस है. स्पेस में क्या होता है, स्पेस में भी जो बूस्टर्स लगे होते हैं दैट बूस्टर्स ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, उनका जो वेलोसिटी होती है. अब वेलोसिटी क्यों होती है भाई, वहां पे कौन रोकने वाला भाई, अब तुम जा रही हो रोकने, कहां जा रहा है, इधर रुक, कोई भी नहीं है वहां पे, वहां तो चल रहा है, चल रहे हैं तुम. आर यू गेटिंग मी? चलो अगला पढ़े. ये मैं ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगला एक्सप्लेन बाय मार्बल मार्बल रोल्स मोर ऑफ ऑन एनी आईसी हॉरिजॉन्टल सरफेस देन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. सिंपल यार, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. भाई तुम अगर मार्बल फोर्स पे मार्बल पे जा रहे हो तो क्या ये तो सिंपल से फिनोमेना है, कभी चिकने मार्बल पे चले हो क्या होता है, क्या रोल कर दो क्या होता है, वो रुकेगा ही नहीं भाई, वो रोल होता रहेगा. और वहीं पे भाई अगर आप घास में खेलने जाए, बॉयज को पता होगा क्रिकेट, अगर घास में फुट घास कुछ भी खेलने जाओ, क्रिकेट क्या फुटबॉल भी खेलने जाओ, बॉल मारो जितनी जान से वो रोल होते हैं रुक जाती है. अब वही सेम जगह सीमेंटेड रोड पे करते हैं, एक बाइक तो चल रही है एंड तक ही जा रही है और फिर लगता है अब तो थक जाएंगे जाते जाते हैं, फिर अंकल बहुत दे दो. समझ में आया? अगला बस अब ये सारे होमवर्क से कर लें.